ओम शांति। मेरा नाम किरण है, मैं यहाँ पर 5 साल से आ रही हूँ। पहले मेरा यहाँ आना नहीं था, मेरे घर में बहुत हलचल रहती थी। तो पड़ोस की मेरी एक बहन आई, बोली कि आप ज़्यादा परेशान रहती हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो हमने कहाँ चलेंगे, बोले कि आश्रम चलें आप, और आप वहाँ चल के देखें, कोर्स करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ रुकना, वरना आप चले आना। तो हम दूसरे दिन ही बृहस्पति पड़ा तो हमको वो साथ लेके आई। साथ हम जब यहाँ आए तो हमको एक ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से लगा कि जैसे कोई अजीब सी हमको यहाँ पे शांति मिली है। पहला ही दिन था मेरा, तो दीदी ने कहा पहले कोर्स करें आप, 7 दिन का कोर्स करें, इसके बाद आप क्लास करें। तो मैंने कोर्स कर लिया, क्लास भी डेली आते रहे। हमको हर दिन का एक एक घर में जो परेशान रहते थे, अशांति रहती थी, वो अपने आप ही धीरे धीरे इस तरह से कम हुई कि हमको समझ में नहीं आया। फिर हमारा इधर की तरफ बढ़ने लगा कि हम किसी तरह मिस ना करें। बीमार पड़ जाते थे तो अचानक से लगता था कि किस तरह से हम पहुँचे, लेकिन पहुँच नहीं पाते थे तो कई बार हमारे घर में दीदियाँ भी आई हैं। और हमको जब बहुत परेशान होते थे तो दीदियों का अनुभव होता था कि वो आके हमको प्यार से हमारा सारा जो भी कष्ट है वो ख़त्म करने की कोशिश करती थी। हमको नींद में ही वो चीज़ें याद आ जाती थी और बताती थी कि क्या करना है तुम्हें, परेशान मत हो, आप शांत रहें। जब हम ठीक होते आते, हमको हर दिन का यहाँ आने के बाद में एक एक दिन इस तरह से गया है कि हम उसका बता नहीं सकते किस तरह से हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है। घर में हमसे जो सारे लोग नाराज़ हो जाते थे, जाने नहीं देते थे, हम कभी मंदिर नहीं गए हैं, भगवान को मानते थे, पहले भक्ति का ही भाव रहता है तो भक्ति में रहते थे, लेकिन मंदिर कभी नहीं गए। लेकिन जब हम यहाँ धीरे धीरे आना शुरू हुए तो हमने हमारे घर में सभी सहयोग करते थे। सबसे ज़्यादा हमारे घर में हमारे पति ने हमको सहयोग किया, और बाबा से हम डेली यही प्रार्थना करते थे कि बाबा हमारी मुरली ना मिस हो। सबसे ज़्यादा जो हमको जीवन में ताकत मिलती है, हर पल हर शब्द मुरली का इतना अच्छा होता है कि उस मुरली का हम पूरा शब्द तो नहीं प्रयोग में कर पाएंगे, लेकिन एक शब्द भी हमारे डेली यूज के बेस में ज़रूर आता है। हमारे घर में ऐसा गृहस्थ में रहते हुए ये शब्द नहीं होते कि वो जो मुरली में हमको सुनाए जाते हैं, कभी कभी आता है कि आप चुप रहना, तो घर में कोई ऐसा शब्द आ जाता है कि जहाँ पे हमको बोलने के लिए विवश होना पड़ता है, लेकिन फिर हमको तुरंत अपनी मुरली का शब्द याद आता है और हम तुरंत चुप हो जाते हैं। तो वो शब्द जो मुरली के डेली बेस पे बहुत लोग कहते हैं कि क्या रोज़ वही बातें बताई जाती हैं, क्या वहाँ पे जाके आप लोग करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर जो भी कोई आएगा, जो भी बहन आएगी, उसको फिर अपने जीवन में जो परिवर्तन होगा उसका वो अनुभव खुद करेगी, और उसकी फैमिली उसको इतना सपोर्ट करेगी, क्योंकि उस फैमिली का सपोर्ट तो होना स्वाभाविक है ही। क्यों है? इसलिए क्योंकि बाबा के साथ में हम लोग बाबा से डेली बात करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। हम योग में उठते हैं सुबह तो हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, हम जो परेशान रहते हैं दिन में, तो वो बाबा से बोलते हैं। बाबा हमारी हर बात को सुनता है। हमारे आश्रम में कभी ना कभी कुछ छोटे छोटे योग रखे जाते हैं, कभी 1 हफ्ते का, कभी 10 दिन का, तो हम लोग उस योग में रहते हैं। अब ये तो है नहीं कि हर दिन हमारा योग बाबा से लग जाए, इतना तो पुरुषार्थ अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हम बाबा से मिले, बाबा से बात करें। हमको डेली यहाँ सिखाती हैं हमारी बहनें, इतना पुरुषार्थ करती हैं, हर तरह से दृष्टि देती हैं, हमको सांत्वना देती हैं, हम अपने जीवन में किस तरह से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या हम अच्छा काम कर सकते हैं, वो काफ़ी कोशिश करते हैं। तो हम जहाँ पर जाते थे वहाँ पर योग रखा गया था 51 दिन का, सबसे बड़ा टारगेट था, और हमारे घर में काम चल रहा था। हम 4 साल से आ रहे हैं, फिर भी हमारे मन में शंका थी कि हम पूरा समय हो सकता ना जा पाए, लेकिन
हमने बाबा से कहा, पहले पहले तो मन में आया कि दीदी ने बहुत लंबा योग का समय रख दिया है, पूरा करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि घर में बहुत काम था और हम कोशिश करते हैं कि घर में कोई भी बात हो तो उसको अब हम क्रोध से ना कह के शांति से ही उसको निपटा दें। लेकिन बाबा के कमरे में जाते थे रोज, तो बाबा से बोला, बाबा दिन का जो योग रखा गया है इसमें कोई भी दिन हमारा नागा ना हो। एक अंदर से बहुत ही इच्छा थी कि ये हम, क्योंकि हमारा बीच में काम की वजह से समय नागा हो जाता है मुरली का, कोशिश करते हुए भी। लेकिन बाबा से जब कहा तो बाबा ने हमारा एक भी दिन नागा नहीं किया और हम डेली आते रहे। हफ्ते भर ही हुआ था हमको योग में, तो एक दिन एक गीत चल रहा था, मैं सीप नहीं मैं मोती हूँ। तो हमारी दीदियों ने बाबा से कि किरणें लो, तो उसी तरह का हम कुछ अनुभव कर रहे थे कि हमारे ये वर्षा हो रही है, किरणें पड़ रही हैं। तो इसी समय एक योग के ही समय मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस तरह का टारगेट रखा गया था। तो उसको करते लिखने के बाद में वो गीत चला, तो गीत चलने से जो हमारे दिमाग में एक इस तरह से अनुभव हुआ कि जैसे मैं कुर्सी पर बैठती हूँ, ज़मीन पर नहीं बैठ पाती हूँ। तो कुर्सी पे बैठने पर मुझको लगा कि मैं कुर्सी पर हूँ ही नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस जगह पर कि उसी, मैं सीप नहीं मैं मोती हूँ, उसी चीज़ का मैंने चिंतन करते करते ये लगने लगा कि मैं वास्तविकता में मोती हूँ क्या। मोती की तरह मुझे अंदर एकदम हल्का भाव हुआ। फिर दूसरा गीत बजने लगा, तो आँख खोल के देखा तो हमको बाहर से लगा कि जैसे कोई बड़ी तेज़ी से आभास हुआ कि कोई आया। तो हम उस चीज़ का बार बार अनुभव करते हैं कि ये बाबा क्या था। हम उस दिन से, जब से ये दिमाग में ये टचिंग हुई है, जब से ये चीज़ मेरे दिमाग से हटती नहीं है, उस दिन से जीवन में और शांति आई है। और घर में तो सहयोगी हैं ही, लेकिन हम जब गली में चलते हैं निकलते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं। आपके अंदर जब हम उनको अपनी पिछले दिनचर्या की बात बताते हैं तो कहते हैं इतनी विकट परिस्थितियां होने के बाद में भी आप अपने जीवन में इतने खुश कैसे रहते हैं। हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है लेकिन हम सारा दिन खुशी ही रहना कोशिश करते हैं कि खुश ही रहें। तो लोग कहते हैं आप हंसते रहते हैं, आप हंसते कैसे रहते हैं, कैसे आप मैनेज कर लेते। तो मेरा मैनेज करने का कोई महत्व नहीं है, वो तो जो करता है वो गॉड ही करता है। हमारे अंदर तो उतनी शक्ति वही भरता है, लेकिन हम जब वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद पर यहाँ ब्रह्मा भोजन हुआ, ब्रह्मा भोजन होने पर हमने खूब काम किया जो भी करते रहे। इसके बाद नीचे जब हम जाने लगे तो एकदम से मुझको लगा कि मेरे पैर में जो मैंने काम किया वो लग ही नहीं रहा था कि मेरा पैर इतना परेशान है। फिर भी हम चलते रहे तो बाबा, जहाँ बाबा का नाम लेकर हम अपने आप को रख देते तो हम नहीं काम करते, उस समय वो बाबा अपने आप सहयोग करवा लेता है। तो जो इसमें शक्ति है, जो भी बने इसको सुने, इसको एक बार अपने जीवन में ज़रूर कोशिश करें कि क्लासरूम में आए, कोर्स करें, और क्लासरूम में जो मुरली चलती है सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दें। लोगों की बातों पर मत जाए, लेकिन जो मुरली का एक एक शब्द होता है वो इतना बेशकीमती होता है। हम अपने जीवन में धन कमाने की तो होड़ लगा रखे हैं, लेकिन धन जो ये अमूल्य धन है, क्यों अमूल्य? हमारे कोई संकट होता है, संघर्ष होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा कोई कर दे, घर सहयोग कर दे, भगवान के पास जाए, मंदिर में जाए, लेकिन वहाँ से नहीं, खुद से अपने आप में जब आत्मशक्ति होती है वो आप तभी कर सकते हैं। कि हमारी जो शक्ति है, शक्ति क्रोध अशांति इन चीज़ों से नहीं आपको मिलेगी। जब आप यहाँ मुरली आकर सुनेंगे तो मुरली के हर शब्द में एक ना एक आपके लिए कोई इतना की जीवन की दैनिक दिनचर्या ही बदल देगा, और आप अपने परिवार को भी, समाज को भी, घर को भी, और अपने आप को भी खुश रख पाएंगे। ये मेरा 5 साल का अनुभव है। लेकिन जो भी यहाँ आए, जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, इस बात का विशेष ध्यान दे कि ये समय बहुत ही कठिन है। हर घर में
एक होड़ लगी है कि हम कितना धन कमा ले, अपने बच्चों के जीवन में ये संस्कार जरूर दें। बचपन से जब हमको छोटे अरसे हम छोटा छोटा उनको बात सिखाते हैं, बच्चे सुबह उठते हैं तो उठते ही उनको बोले कि बच्चे को कुछ नहीं, आज के समय में इंग्लिश का ज़्यादा महत्व है तो बच्चे को गुड मॉर्निंग ही करना सिखाए। लेकिन गुड मॉर्निंग कर देते हैं मम्मी पापा को, उनको सबसे पहले ये सिखाएं कि बाबा को गुड मॉर्निंग कीजिए। तो जब हम बच्चों को शुरू से उस चीज़ का वेस डाल देते हैं तो बच्चों में उस चीज़ की एक प्रॉपर ये आ जाता है कि नहीं, कोई हमसे आगे है और जो कोई है वो कोई अलग ही शक्ति है जो हमको हमारे जीवन में शक्ति देती है। बच्चों का जीवन भी सहज होता है और जीना भी सहज हो जाता है। और परिवार में जब इस तरह के हम आदर्श स्थापित करते हैं तो पहले स्वयं पर स्थापित करें। हम किसी को बता तो देते हैं लेकिन स्वयं पर नहीं करते हैं। जब आप अपने आप पर अपने ऊपर हर तरह के अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपका जीवन और आपका परिवार का जीवन और आपका समाज का जीवन बहुत ही सहज होगा। ओम शांति।